के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन क्या शिक्षा की क्वालिटी बढ़ी? ये सवाल सबके जहन में कौनता है। हमने इसकी जब रियलिटी चेक की तो जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची पटना के बालक मध्य विद्यालय गोलघर में। यहाँ मैडम जी बच्चों को सप्ताह के दिनों का ज्ञान दे रही थी अंग्रेजी में। स्पेलिंग ऐसी कि आप गश खाकर गिर जाए। पढ़ाई से फारिग होने पर हमने कुछ आसान से सवाल पूछे। एक नजर डालिए सवालों और उनके जवाबों पर। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री? नोबेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? अभी इंग्लिश में नहीं बता सकता। संविधान किसने बनाया था? बिहार में कितने जिले हैं? पटना के डीएम कौन है अभी? पटना के डीएम है ये। आपके आपके डीईओ कौन है अभी, जिला शिक्षा पदाधिकारी? ये तो है। बिहार में कितने कमिश्नरी? टेंस? अल्फाबेट कितने होते हैं? हम अभी हड़बस हो गए, हम कुछ नहीं बता सकते, हमें याद नहीं आ रहा है भाई। एक कविता सुना दे। यस सर। कोई कविता याद है? ऐसे हमको याद नहीं। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग कर दीजिए, कोशिश कीजिए। इंग्लिश का स्पेलिंग? बिहार की राजधानी कहाँ? बिहार का जाने? बिहार की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली। स्कूल की दूसरी शिक्षिका का भी हाल जुदा नहीं था, वो भी आसान सवालों पर बगले झांकने लगी। ज्योग्राफी में क्या होता है? साइकोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है? बिहार के उप मुख्यमंत्री? संविधान किसने बनाया? अब हमारी टीम पहुंची यारपुर मध्य विद्यालय। गुरुओं के ज्ञान से हमारा भरोसा उठ चुका था, सो हमने चेलों का टेस्ट लिया, लेकिन वो तो गुरु से भी चार कदम आगे निकले। जिन सवालों के जवाब आए वो माशाल्लाह बहुत खूब थे। पर्यावरण से क्या समझते हैं? पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? 80-35, 80+35। एक कविता सुनाओ, एक पोएम सुनाओ। कोई भी पोएम सुनाओ। पहाड़ा पढ़ो तो, बारह का पहाड़ा पढ़ो, बारह का पहाड़ा पढ़ो। किस राज्य में रहते हो? बिहार की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन है? चलते चलते मैडम के नॉलेज पर जब हमने एक नजर डालनी चाहिए तो जनवरी फरवरी की स्पेलिंग ने हमारे दिमाग को झंझना दिया। बिहार के राज्यपाल कौन? भारत के राष्ट्रपति का नाम? न्यूटन का सिद्धांत बताइए। केमिस्ट्री का स्पेलिंग कीजिए। CHEMESTY ROY।
कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागे पाँव, लेकिन जब गुरु ही अधकचरा ज्ञान देने लगे तो उनके भगवान के दर्जे पर ही सवाल या निशान लग जाता है। जरूरत है हुक्मरानों को सियासत से फुर्सत निकालने की, ताकि नौनिहालों का भविष्य संवारा जा सके। कैमरामैन नीलमणि और राजेश के साथ रजनीश कुमार, ईटीवी न्यूज़, पटना।